हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेर सिंह, आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जो स्ट्रेटजी की जो वीडियो मैंने स्टार्ट की है कि मैं आपको 60 दिन में पूरा सिलेबस कराऊंगा और 80+ आपके नंबर आएंगे। तो देखिए, उसका आज 10वां दिन है और 10वें दिन आज आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ में आज आपको सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, साधारण ब्याज, ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है और ये आज ही कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन का ही टॉपिक है ये, और कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं, एक दो ही हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है। तो ये आपको करना है। इसके बाद जो रीजनिंग में आपको पढ़ना है, रीजनिंग में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का कथन निष्कर्ष, सिलोगिज्म, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आजकल यही ट्रेंड में है, इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको रीजनिंग में करना है। इसके बाद जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में जो फिजिक्स है, जो हमारी फिजिक्स चल रही है, उसमें आपको प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, ये टॉपिक आज आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद देखिए जीके एंड जीए में जो आपको पढ़ना है वो करंट अफेयर में आपको पढ़ना है। देखिए, यहाँ टाइपिंग पूरी नहीं है, तो ये है अक्टूबर मंथ की, यानी कि आज आपको अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर तैयार करना है। और जो पॉलिटी चल रही है आपकी, पॉलिटी में आज आपको संसद टॉपिक होता है, संसद कैसे बनती है, तो ये सारे टॉपिक हैं। और ये संसद जो है आपको आज कंप्लीट करनी है, अच्छे से कंप्लीट करनी है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और मॉक टेस्ट में जो आपने कल मॉक टेस्ट लगाया होगा, आज उसका एनालाइज कीजिए, कहाँ मिस्टेक की है आपने, कौन से क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं। आप आज बस इतना कीजिए, अगर आप इतना करते हैं तो आप ये समझे कि आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।